नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो समय खुद में ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है, लेकिन कई ऐसे भी पल होते हैं जो अपने आप में ही एक इतिहास बन जाते हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जो अपने आप में ही एक गाथा बन जाते हैं। ऐसा ही एक दिन है 8 नवंबर। नहीं, आप जो समझ रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं एक साल पहले हुई नोटबंदी की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि आज से 100 साल पहले के 8 नवंबर की बात कर रही हूं। जी हां, नोटबंदी से पहले भारत में भी 8 नवंबर को किसी और दिन के रूप में मनाया जाता था। वो अलग बात है कि पिछले साल के बाद से 8 नवंबर को नोटबंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को एक क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता था और आज भी इसे उसी नाम से जाना जाता है। लेकिन आज नोटबंदी दिवस क्रांति दिवस पर भारी पड़ गया। इसी पर आधारित है आज का हमारा खास कार्यक्रम 100 साल पहले। तो 8 नवंबर का यह दिन रूस के इतिहास का सबसे यादगार दिन है, सबसे बड़ा दिन है, आधुनिकता का दिन है, समाजवाद का दिन है। आज से 100 साल पहले आज के ही दिन रूस में एक बड़ी क्रांति हुई थी, जो इतिहास की बड़ी क्रांतियों में से एक थी, जिसका प्रभाव सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा था। आठ नवंबर 1917, रूसी क्रांति, एक नए युग की शुरुआत, राजशाही का खात्मा, समाजवाद की स्थापना। रूस जहां 1917 से पहले राजशाही का शासन हुआ करता था, जहां राजा जार निकोलस द्वितीय का राज था, लेकिन 8 नवंबर की क्रांति ने रूस को राजशाही से मुक्त कर दिया और एक नए शासन व्यवस्था की स्थापना की, जो पूरी दुनिया में समाजवाद के नाम से जाना गया। सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति से ही जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ और रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। ये क्रांति दो भागों में हुई थी, 8 मार्च 1917 में और 8 नवंबर 1917 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग देने के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार यानी कि कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार कर यूरोप के जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। रूसी क्रांति की व्यापकता अब तक की सभी राजनीतिक घटनाओं की तुलना में बहुत बड़ी थी। इसने न केवल निरंकुश, एकतंत्री, स्वेच्छाचारी, जारशाही शासन का अंत किया, बल्कि कुलीन जमींदारों, सामंतों और पूंजीपतियों की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को भी समाप्त कर दिया और विश्व में मजदूर और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की। मार्क्स की वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को हकीकत रूप में पहली बार रूसी क्रांति ने ही प्रदान किया था। इस क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित कर स्वयं को इस व्यवस्था के जनक के रूप में स्थापित किया। ये विचारधारा 1917 के पश्चात इतनी शक्तिशाली हो गई कि 1950 तक लगभग आधा विश्व इसके अंतर्गत आ चुका था। क्रांति के बाद का विश्व इतिहास कुछ इस तरीके से तेजी से चला, या तो वह इसके प्रसार के पक्ष में था अथवा इसके प्रसार के विरुद्ध। रूस की क्रांति का महत्व न केवल यूरोप के इतिहास में वरन विश्व के इतिहास में है। जिस प्रकार 18वीं शताब्दी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रांस राज्य की क्रांति है, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना रूस की 1918 की बोल्शेविक क्रांति थी। रूस में सामाजिक समानता का नितांत अभाव था। इस समय रूस का समस्त समाज 3 भागों में विभक्त था, जिनमें आपस में किसी भी प्रकार की सद्भावना नहीं थी। वे एक दूसरे को अपने से पूर्णतः भिन्न और पृथक समझते थे। पहली श्रेणी में कुलीन वर्ग आता था, इसको राज्य की ओर से बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त थे। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत उच्च मध्यम वर्ग आता था, जिसमें व्यापारी, छोटे जमींदार, पूंजीपति शामिल थे।
तीसरी श्रेणी में किसान और मजदूर थे। इसके साथ राज्य तथा अन्य वर्गों का व्यवहार बहुत ही अमानवीय था। जार निकोलस पूर्ण निरंकुश और स्वेच्छारी शासक था। वह जनता को किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। अन्य देशों के समान रूस में भी औद्योगिक क्रांति हुई, जबकि यहाँ पर क्रांति अन्य देशों की अपेक्षा काफी समय के बाद हुई, किंतु इसके होने पर रूस में बहुत से कारखानों की स्थापना की गई। इस प्रकार रूस का औद्योगिकरण होना आरंभ हुआ। इसमें काम करने के कारण लाखों की संख्या में मजदूर देहातों और गांवों का परित्याग कर उन नगरों और शहरों में निवास करने लगे जिनमें कल कारखानों की स्थापना हुई थी। नगरों और शहरों में निवास करने के कारण वो पहले की तरह अब सीधे साधे नहीं रह गए थे। नगरों में रहने के कारण उनमें न केवल चलता पुर्जापन ही आ गया था, अपितु वे राजनीतिक मामलों में भी रुचि लेने लगे थे। इनको अपने राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों का भी ज्ञान हुआ। इन्होंने अपने क्लबों का निर्माण किया जहां ये सब प्रकार के मामलों पर विचार करते थे और आपस में वाद विवाद करते थे। इनको यहां रहकर नवीन विचारधाराओं तथा प्रवृत्तियों का ज्ञान हुआ। इन्होंने श्रमिक संगठनों की स्थापना करना शुरू कर दी। रूस में 1905 में एक क्रांति हुई थी जिसके द्वारा रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, किंतु पारस्परिक झगड़ों के कारण ये क्रांति सफल नहीं हो सकी और शासन पर पुनः जार का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस क्रांति का स्पष्ट परिणाम ये हुआ कि उसने रूस की साधारण जनता को राजनैतिक अधिकारों का परिचय करा दिया। उनको ज्ञात हो गया कि मत का अर्थ क्या है, ड्यूमा या दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाना चाहिए। सरकार को लोकमत के आधार पर अपनी नीति का निर्धारण कर जनहित के कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो जाने के कारण रूस की जनता समझ गई कि रूस में भी पूर्णतया लोकतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए जहां साधारण जनता के हाथ में शासन सत्ता हो। पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों का प्रभाव भी रूस पर पड़ा। जबकि रूस के सम्राटों ने पश्चिमी प्रगतिशील विचारों का रूस में प्रचार रोकने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए, किंतु विचारों का रोकना बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि विचार हवा के समान होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और उसके साथियों के विरुद्ध जो प्रचार कार्य मित्र राष्ट्रों की ओर से किया जा रहा था उसमें मुख्यतः यही कहा जाता था कि लोकतंत्र शासन जनता की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आधार पर नवीन राष्ट्रों का निर्माण करने के अभिप्राय से युद्ध कर रहे हैं। रूस मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत था, अतः वहां की जनता पर भी इस प्रचार का बहुत असर पड़ा। रूस में मध्य श्रेणी के व्यक्तियों में शिक्षा का प्रचार हो गया था। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक शिक्षित वर्ग आदि को प्राप्त है, उसी प्रकार रूस में भी क्रांति का वेग इसी श्रेणी के लोगों ने तीव्र किया। वे लोग नई नई पुस्तकों का अध्ययन करते थे। पश्चिमी यूरोप के विचारों की लिखी हुई पुस्तकें रूसी भाषा में अनुदित हुई। अनेक एशियन लेखकों ने अपने ग्रंथों द्वारा नए और प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन किया। शिक्षित वर्ग पर उन नए विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। विशेषतः नवयुवक विद्यार्थी नए विचारों का अध्ययन कर भली भांति समझने लगे थे कि उनका देश उन्नति की दौड़ में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण है निरंकुशता। उनके दिल में भावना जागृत हुई कि उनका कर्तव्य है कि वे अपने देश को उन्नत करने के लिए घोर प्रयत्न करें। महायुद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ। उसकी विशाल सेना ने युद्ध के आरंभ में बड़ी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन किया, परंतु दो वर्ष तक निरंतर युद्ध करते हुए उसमें शिथिलता के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। रूस की सेना बहादुर अवश्य थी, किंतु उसमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावनाएं नहीं थी जो अपूर्व त्याग और मर मिटने की प्रेरणा दे सके। रूस की सेनाएं संख्या की पूर्ति के लिए भर्ती कर रही थी। उनमें वीर सैनिकों की परंपरा अवश्य थी, पर उनमें सम्मुख कोई आदर्श विशेष नहीं था। यही दशा रूस की नौकरशाही की थी। रूस के कर्मचारी ये नहीं समझते थे कि देश की उन्नति और राष्ट्र की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। उनका आदर्श था सम्राट को प्रसन्न कर उच्च पदों पर आसीन होना। जब विश्व युद्ध लंबा होता गया और दो वर्ष की लड़ाई के उपरांत भी विजय के कोई चिन्ह नहीं दिखे तो रूस की सेना और नौकरशाही घबरा उठी। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार आदि रूस में पहले से ही अपने चरम सीमा पर था। गरीब लोगों के लिए गुजर कर सकना असंभव हो गया था।
23 मार्च 1917 को पेत्रोग्राद के मारे गए लोगों की शव यात्रा, सेना की जनता पर गोली चलाने से इनकार। 7 मार्च 1917 को जनता की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके पास न पहनने को कपड़ा था, न खाने को अनाज। वो भूख से व्याकुल हो चुकी थी, साथ ही बिना कपड़े के जिंदगी बिताने को मजबूर थी। परेशान होकर भूखे और ठंड से ठिठुरते हुए गरीब और मजबूरों ने 7 मार्च के दिन पेत्रोग्राद की सड़कों पर घूमना प्रारंभ कर दिया। रोटी की दुकानों पर ताजी और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे। भूखी जनता का मन ताजी और गर्म चाय व रोटियों को देखकर ललचा गया और वह अपना नियंत्रण खो बैठी। उन्होंने बाजार में लूटमार करनी शुरू कर दी। सरकार ने सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया और वो गोली चलाकर लूटमार करने वालों को तितर बितर कर दे, लेकिन सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनको जनता से सहानुभूति थी। उनमें भी क्रांति की भावना प्रवेश कर चुकी थी। जब मजदूरों ने ये देखा कि सैनिक उन पर गोली चलाने को तैयार नहीं है तो उनका साहस और बढ़ गया और यही था रूसी क्रांति का क्लाइमेक्स सीन। इस क्रांति के बाद रूस से जारशाही का अंत हुआ। जार निकोलस द्वितीय ने त्याग पत्र तो पहले ही मार्च की क्रांति के बाद दे दिया था, लेकिन इस क्रांति के बाद रूस में गरीब किसान और मजदूरों की समाजवादी सरकार का गठन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। के बाद एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो 100 साल पहले रूस में एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ जिसने रूस की दशा ही बदल कर रख दी। ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई। ये क्रांति ही तो थी, एक ऐसी क्रांति जिसने रूस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज रूस के पास दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं, वहां के लोगों के पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आज रूस हर तरह से फल फूल रहा है। शायद इसी रूस की कल्पना 100 साल पहले की गई थी। में दो क्रांतियों ने रूस को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहले फरवरी में हुई रूस की क्रांति ने रूसी राजशाही को गिरा दिया। फिर एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई और फिर अक्टूबर में एक दूसरी रूसी क्रांति ने नेताओं के रूप में बोल्शेविक रखा गया, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना गया, जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती चली गई। कई देशों में आज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार राज कर रही है। समाजवादी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। डास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। जाराशाही व्यवस्था 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। रूस का अंतिम जार जार निकोलस द्वितीय था। रूस की क्रांति 1917 में हुई। 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रास्टस्की ने किया। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। शून्यवाद का जनक दुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोवा को माना जाता है।
सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई। लेनिन ने रूस में 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। इस योजना को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 में लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की ने की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी फ्रेडरिक एंजेल्स रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। किसी भी क्रांति या आंदोलन का कोई ना कोई हीरो होता है, जिसकी अगुवाई में क्रांति में प्राण फूंका जाता है और कोई भी आंदोलन अपने उद्देश्य तक पहुंच पाता है। रूसी क्रांति के भी एक हीरो थे और वो थे रूस के प्रसिद्ध नेता लेनिन। लेनिन और उनके परिवार का योगदान इस क्रांति में काफी महत्वपूर्ण रहा। रूसी क्रांति के नेता लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच लेनिन था, जिनका वास्तविक नाम उल्यानोव था, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1970 को सिविनसर्क नामक स्थान पर हुआ। जनता की तरफ उनका झुकाव अपने पिता से उन्हें विरासत में मिला था, जो विश्वविद्यालयों के एक निरीक्षक थे और जो लोकतंत्र के समर्थक थे। मात्र 16 साल की उम्र में लेनिन के पिता की मृत्यु हो गई और पूरे परिवार का बोझ उनकी माता पर आ गया, जो कि एक डॉक्टर थी। लेनिन समेत उनके भाई बहन बचपन से ही क्रांतिवाद के अनुयायी थे। लेनिन के बड़े भाई अलेक्जेंडर को रूस के राजा जार की हत्या का षड्यंत्र रचने में शरीक होने के आरोप में फांसी दे दी गई और यहीं से एक क्रांतिकारी लेनिन का जन्म हुआ। पढ़ाई के दौरान वे छात्र आंदोलन के नेता बन गए, लेकिन उन्हें उस कॉलेज से निकाल दिया गया। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने मार्क्सवादियों की एक मंडली का संगठन बनाया। 1891 में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ परीक्षा पास की और लेनिन ने वकालत करना शुरू कर दिया। 1893 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को अपना निवास स्थान बनाया और जल्दी वहां के मार्क्सवादियों का बहुमान्य नेता बन गए। यहीं पर लेनिन का परिचय सुश्री क्रुप्स्काया से हुआ, जो श्रमिकों में क्रांति का प्रचार करने में लगी थी। इसके बाद लेनिन के क्रांतिकारी संघर्ष में उनका हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहा। सन 1895 में लेनिन बंदी गृह में डाल दिए गए और 1897 में 3 वर्ष के लिए पूर्वी साइबेरिया के एक स्थान को निर्वासित कर दिया गया। कुछ समय बाद क्रुप्स्काया को भी निर्वासित होकर वहां जाना पड़ा। अब लेनिन से उनका विवाह हो गया। निर्वासन में रहते समय लेनिन ने 30 पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक थी रूस में पूंजीवाद का विकास। इसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर रूस की आर्थिक उन्नति के विश्लेषण का प्रयत्न किया गया। यहीं उसने अपने मन में रूस के निर्धन श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग का एक दल स्थापित करने की योजना बनाई। सन 1900 में निर्वासन से वापस आने पर एक समाचार पत्र स्थापित करने के उद्देश्य से उसने कई नगरों की यात्रा की। ग्रीष्म ऋतु में वह रूस से बाहर चला गया और वहीं से उसने इष्टप्रा चिंगारी नामक समाचार पत्र का संपादन आरम्भ किया। इसमें उसके साथ श्रमिकों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाली वे रूसी मार्क्सवादी भी थे, जिन्हें जार शाही के अत्याचारों से उत्पीड़ित होकर देश के बाहर रहना पड़ रहा था। 1902 में उसने हमें क्या करना है शीर्षक से एक पुस्तक तैयार की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि क्रांति का नेतृत्व एक अनुशासित दल के हाथ में होना चाहिए, जिसका मुख्य कामकाज ही क्रांति के लिए उद्योग करना है। लेनिन सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करने, केंद्रीय समिति की गतिविधियों का संचालन करने में पूरी शक्ति लगा दी। उसने कारखानों तथा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की सभाओं में अनेक बार भाषण दिए, जिसके बाद वो मजदूरों और किसानों का सबसे बड़ा नेता बन गया। मार्क्सवाद की दार्शनिक विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसने अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद में साम्राज्यवाद का विश्लेषण करते हुए बतलाया कि वह पूंजीवाद के विकास की चरम और आखिरी मंजिल है। उसने उन परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला जो साम्राज्यवाद के विनाश के लिए अनिवार्य बना देती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साम्राज्यवाद के युग में
पूंजीवाद के आर्थिक और राजनीतिक विकास की गति सब देशों में एक सी नहीं होती। इसी आधार पर उसने निष्पत्ति निकाली कि शुरू में समाजवाद की विजय अलग रूप से केवल दो तीन या मात्र एक ही पूंजीवादी देश में संभव है। इसका प्रतिपादन उसने अपनी दो पुस्तकों में किया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप स्लोगन तथा द वार प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। पहले विश्व युद्ध के समय लेनिन ने स्विट्जरलैंड में अपना निवास स्थान बनाया। कठिनाइयों के बावजूद अपने दल के लोगों को क्रांति से जोड़ने और एक करने का काम जारी रखा। रूस में स्थित दल की संस्थाओं से पुनः संपर्क स्थापित कर लिया और भी अधिक उत्साह और साहस के साथ उनके कार्य का निर्देशन किया। फरवरी मार्च 1917 में रूस में क्रांति का आरंभ होने पर वह रूस लौट आया। उसने क्रांति की व्यापक तैयारियों का संचालन किया और श्रमिकों तथा सैनिकों की बहुसंख्यक सभाओं में भाषण कर उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ाने और संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। जुलाई 1917 में क्रांति विरोधियों के हाथ में सत्ता चली जाने पर बोल्शेविक दल ने अपने नेता के अज्ञातवास की व्यवस्था की। इसी समय उसने द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखी और गुप्त रूप से दल के क्रांति की तैयारियों के निर्देशन का कार्य जारी रखा। अक्टूबर में विरोधियों की काम चलाऊ सरकार का तख्ता उलट दिया गया और 7 नवंबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में सोवियत सरकार की स्थापना कर दी गई। इस तरह से रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई जो आज विश्व के कई देशों में प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। We'll be right back.